लेकिन 20-25% जो आपके अगर आप 100 केसेस करते हैं किसी आप कोई डिपार्टमेंट, तो उसमें 25-30 केसेस जो है वो इनके भी करिए, ताकि इनको ये लगे कि हमारे हमारा जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। प्रोग्राम है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स जो मिशन यूथ के अंडर बनाई गई है, उसका एक मीटिंग रखा है जिसमें मिशन यूथ में जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में एक मंथन हो गया, और उन स्कीम्स को हम आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हुई। आज की इस मीटिंग में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं मिशन यूथ की तरफ से डॉक्टर कबीर, वो आए हैं और उन्होंने जितनी भी मिशन यूथ के अंडर प्रोग्राम्स हैं सभी का डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है, और इससे ये हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जितने भी इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट हैं उनको सही तरीके से ये समझ आ गया है कि इनको हमने आगे कैसे बढ़ाना है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे, और मिशन यूथ जो अब जोर पकड़ चुका है, अब बहुत सारे जो उसकी स्कीम्स हैं हमने बहुत काम किया है, उसमें कहीं कहीं हमने ऐसा काम किया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी आगे निकल चुका है, और जहाँ थोड़ी कमी होगी आने वाले दिनों में हम उसको भी ठीक करेंगे। जो मेन जो मकसद है इसका मिशन यूथ का, वो ये है कि जो यूथ्स हैं हमारे उनको हम पॉजिटिव साइड ले जाएं, उनकी इंगेजमेंट करें, उनका लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम चलें और उनको स्टेक होल्डर बनाएं। उसी दिशा में हम लोग जो हैं वो मिशन यूथ का जो हमारे CEO साहब हैं और जो इनको स्टेट लेवल पे देख रहे हैं उनके अंडर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, और हम भी उनकी सरबराही में ये काम जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक भी अच्छा काम हुआ है, और आने वाले दिनों में जो हमारी पूरी टीम है डिस्ट्रिक्ट की और जो हमारे नोडल अफसर हैं उनके लाइजन के साथ उनकी कंसल्टेशन के साथ आने वाले दिनों में हम और बढ़िया काम करेंगे, जिससे जहाँ के यूथ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में होंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में होंगी, और चाहे वो सेल्फ जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में होंगी। थैंक यू।